मणिपुर के गवर्नर से मिले विपक्षी दल के नेता। गवर्नर अनुसुईया उइके से मणिपुर के हालात पर चर्चा। विपक्षी दलों के नेता और गवर्नर ने क्या निकाला हल। इंडिया गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मणिपुर के कई राहत कैंपों का दौरा कर पीड़ितों का हाल जाना। मणिपुर हिंसा पीड़ितों ने विपक्षी दलों के सभी सांसदों को जो आपबीती बताई वो कलेजा कपा देने वाली है। पीड़ितों का हाल जान लेने के बाद इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके से मिला, जहां दोनों तरफ से हालातों पर चर्चा की गई। इस दल में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने गवर्नर से मुलाकात के बाद बताया कि राज्यपाल ने ये सुझाव दिया है कि राज्य की इस मुश्किल की घड़ी में सभी दलों को न केवल मिलकर काम करना चाहिए, बल्कि ये भी कहा कि मौका मिलने पर वो केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाएंगी। मणिपुर गवर्नर ने और क्या क्या कहा, बता रहे हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके, जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहब खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा, और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहां आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। तकरीबन 3 महीनों से मणिपुर में हिंसा जारी है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। वहां के हालात ऐसे हैं जिन पर जल्द से जल्द काबू पाना बेहद जरूरी है। हालांकि विपक्षी दलों ने मणिपुर के 2 दिवसीय दौरा कर वहां के हालात को जाना और मणिपुर के गवर्नर से मिले, जिसके बाद अब मणिपुर हिंसा पीड़ितों को कम से कम ये तो लगा होगा कि उनका हाल तो पूछा गया, लेकिन मणिपुर के हालातों को सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार की दखल बेहद जरूरी है, जिसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।